लॉकडाउन लगे 2 महीने से ज्यादा होने के बाद अब धीरे धीरे देश अनलॉक होने लगा है। रेलवे भी 1 जून से 200 ट्रेन चलाने जा रहा है। ये ट्रेन वर्तमान में चल रही 15 जोड़ी श्रमिक स्पेशल ट्रेन और एसी स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। इन ट्रेन में सफर करने के लिए रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ गाइडलाइंस और नियम तय किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। रेलवे की ओर से जारी नियम और दिशा निर्देश पहले से चल रही 15 जोड़ी यानी 30 एसी स्पेशल ट्रेनों में भी लागू रहेंगे। ये हैं रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए बनाए गए नियम, हम आपको बताते हैं। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इन 200 ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा रेलवे स्टेशन के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकट बुक करवा सकते हैं। रेलवे ने सभी विशेष ट्रेनों के लिए अग्रिम आरक्षण की अवधि 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दी है। इनमें 12 मई से राजधानी ट्रेन के मार्ग पर संचालित 15 जोड़ी ट्रेन और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी नई ट्रेन शामिल है। इसके साथ ही यात्री 1 जून से यात्रा के लिए तत्काल टिकट और करंट बुकिंग जैसी सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। यानी यात्री 1 जून को सफर के लिए 31 मई को तत्काल टिकट बनवा पाएंगे। यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को कोई अनारक्षित टिकट जारी नहीं किया जाएगा और ना ही कोई अन्य टिकट जारी किया जाएगा। यानी टिकट चेक करने वाले अधिकारी को यात्रा के दौरान टिकट देने का अधिकार नहीं होगा। आरएसी और वेटिंग टिकट मौजूदा नियमों के अनुसार ही दिया जाएगा। हालांकि वेटिंग टिकट वाले व्यक्ति को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहले चार्ट को ट्रेन के चलने के समय से कम 4 घंटे पहले तैयार किया जाएगा और दूसरे चार्ट को निर्धारित प्रस्थान समय से कम 2 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचने के बाद यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो वहां के राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाए गए हैं। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की सुविधा के लिए यात्रियों को कम से कम 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। बीमार लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। यात्री स्टेशन और ट्रेनों दोनों पर सोशल डिस्टेंस बनाए रखना होगा। केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ट्रेन के अंदर कोई भी कंबल या चादर उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.